इंदौर में रजक समाज के लोगों ने रायसेन जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना व उसकी मौत के बाद संभागायुक्त कार्यालय पर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग के साथ ज्ञापन दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने आगामी उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरे में लिया है। वशिष्ठ रजक समाज पंचायत के लोगों द्वारा इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि यदि आरोपी को सख्त सजा नहीं दी गई तो वह आगामी समय में सरकार का विरोध करेंगे। साथ ही रजक समाज के लोगों ने कहा है कि आगामी उपचुनाव में यदि भाजपा ने घोषणा पत्र में रजक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात नहीं रखी तो भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हमारे धोबी रजक समाज के अंदर ऊंची जातों के लोगों के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैये का व्यवहार किया जा रहा है। अभी इछावर के अंदर भी मुस्लिम समाज के द्वारा हमारे धोबी परिवार के ऊपर हमला किया गया, वह घटना भी हुई। एक ताज़ा घटना ये वाली है, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समाज के ऊपर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमसे क्या कहा था कि हम आपको अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक भी हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अभी जो 22 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव के अंदर अपने घोषणा पत्र के अंदर घोषणा करें, नहीं तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। हम लोग वशिष्ठ मालिक रजक समाज पंचायत इंदौर की तरफ से हैं। हमारे रजक समाज की एक बालिका जो रायसेन जिले में रहती है उसके साथ एक गोलू राजपूत नाम का लड़का लगातार पिछले 2 महीने से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। नाबालिग बालिका इतनी परेशान हो गई शारीरिक व मानसिक रूप से, उसने 2 दिन पूर्व आत्महत्या करके अपना जीवन खत्म कर दिया। इस विषय में हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर संभागायुक्त को हम लोगों ने इंदौर नगर धोबी समाज की तरफ से ज्ञापन दिया है कि आरोपी के साथ में फांसी की सजा हो और जो नाबालिग बच्ची मरी है उसके परिवार को आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सहायता दी जाए, यह मांग धोबी समाज करता है। अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया? अधिकारी द्वारा संभागायुक्त मदद द्वारा हमें कहा गया है कि इसके उचित कार्रवाई के लिए हम इस ज्ञापन को आगे प्रेषित करते हैं और उचित कार्रवाई का उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आपका परिचय? मैं अनिल बारिया, अध्यक्ष वशिष्ठ मालवीय रजक समाज पंचायत इंदौर। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप इस समाज क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे लोगों के आगे की गतिविधि के लिए हमारे समाज की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कि आगे हमको किस आंदोलन की तरफ हमको आगे बढ़ना है।